सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि क्षकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि शान्ति शान्तिः वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 70वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर श्री राम श्री भरत जी को राजनीति विषयक उपदेश दे रहे हैं। एक राजा को कैसे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य को कितनी सजगता पूर्वक करना चाहिए और केवल सजग नहीं होना चाहिए, अपनी प्रजा जनों के प्रति अपने जो उनके निर्देशन में सेवा कार्य करते हैं उन सब के प्रति भी सजग होना चाहिए। उनमें जो उत्तम पुरुष हैं उनको उत्तम कार्यों में नियोजित करना चाहिए, जो मध्यम श्रेणी के हैं उनको मध्यम कार्यों में, जो सामान्य कोटि के व्यक्ति हैं उनको सामान्य कार्यों में। और राजा का खुद का जीवन सुबह उठने से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान किया कि राजा को जल्दी उठ करके और फिर धर्म अर्थ आदि के बारे में चिंतन करना चाहिए और किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जो अल्प कार्य है वो भी यदि सतत करते हैं तो वो महद परिणाम लाने वाला होता है। इससे राजा को अपने शासन को सुव्यवस्थित सुनियोजित रखते हुए ही खुद भी वो प्रसन्न रह सकता है और अपने प्रजाजनों को भी प्रसन्न रख सकता है, क्योंकि जैसा नेतृत्व होता है वैसा ही फिर नीचे सारी टीम वैसा ही आचरण करती है। महाजनो येन गता स पंथः, तो वो जैसे जैसे आचरण करते हैं, गीता में भी ऐसे ही बताया कि जैसे रामायण में बताया ऐसे ही गीता में भी। तो गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि मेरे को तीन लोक में कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, सब कुछ मेरे को प्राप्त ही है, लेकिन तो भी मैं कर्म किस लिए करता हूँ? ताकि जो मेरा अनुसरण करने वाले लोग हैं वो कहीं निठल्ले ना हो जाएं। अगर हम वर्तमान में देखें, यदि श्रद्धे स्वामी जी महाराज को पूज्याचार्य जी को देखें, अगर कोई सामान्य व्यक्ति के पास इतने संसाधन हो जाएं तो व्यक्ति फिर वो कुछ काम नहीं करना चाहेगा। उसको लगता है कि भाई मेरे पास तो बहुत धन है, ऐश्वर्य है, संसाधन है, तो अब मेरे को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि श्रद्धे स्वामी जी महाराज तो सबसे ज़्यादा समय के पंक्चुअल और सबसे ज़्यादा सेवा करने वाले, माने पूरे देश में, केवल संगठन की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, बल्कि पूरे देश के जितने भी कोई एनजीओज हो सकते हैं, कोई धार्मिक आध्यात्मिक सामाजिक संगठन हो सकते हैं जो सेवा करने की बात करते हैं, और पूरे भारत नहीं, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में सेवा करने वालों में यदि
ये देखा जाए कि भाई सबसे पहला स्थान किसका है, तो वो श्रद्धे स्वामी जी महाराज का नाम ही आएगा। इतनी ज़्यादा सेवा, इससे ज़्यादा सेवा और मनुष्य के शरीर से नहीं की जा सकती है। तो किस लिए करते हैं? ताकि उनके पीछे उनका अनुसरण करने वाले पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में या उससे अतिरिक्त पूरे देश में भी जो लाखों करोड़ों लोग अपने दिन की शुरुआत श्रद्धे स्वामी जी महाराज का दर्शन करके करते हैं, तो उनके जीवन में अकर्मण्यता ना आ जाए। तो ऐसे ही यहाँ पर श्री राम भरत जी को उपदेश दे रहे हैं कि आपको सब व्यक्तियों को यथाशक्ति यथा योग्यता अपने अपने कार्य में सुनियोजित करके रखना चाहिए। माता पिता को अपने संतानों को यथा योग्य और यथास्थिति, जैसी उनकी योग्यता है, जैसी उनकी स्थिति है, उनको सेवा कार्यों में नियोजित करके ही रखना चाहिए। जो माता पिता लाड़ प्यार में आकर के अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं देते हैं, उनको सत्कार्यों में नियोजित नहीं करते हैं, तो उनको फिर थोड़े दिन के बाद दुख पाना पड़ता है। जो गुरु आचार्य अपने शिष्यों को मतलब झूठी प्रशंसा लेने के लिए और उनको अच्छे प्रोडक्टिव कार्यों में सुनियोजित करके नहीं रखते हैं, तो उनको फिर सुयश की जगह वो अपयश के पात्र होते हैं। फिर तो ये नेतृत्व का ही दायित्व बनता है, चाहे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी संगठन आदि में, तो वहाँ हमें अपने से नीचे जो भी हमारे अधीनस्थ सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, उन सबको सेवा कार्यों में नियोजित रख के रखना चाहिए, करके रखना चाहिए, सबको सेवा में लगा के रखना चाहिए। और सबको सेवा में लगा कर रखने के लिए पहले खुद को सेवा में लगना पड़ेगा, तभी तो दूसरे को कह सकता है व्यक्ति, और उसकी बात को कोई तभी सुनेगा। तो यहाँ स्वयं भरत जी के लिए भी श्री राम बता रहे हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि राजा को कोई डांटने वाला नहीं होता है। तो उसके मन में यदि ये आ गया कि मैं आराम से उठूंगा, तो फिर केवल उस एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता है, फिर तो फिर लाखों व्यक्तियों का नुकसान हो जाता है। इसलिए कभी कभी हमारे को ये लगता है ना, जब हमारी बाल बुद्धि होती है तो, कि भाई ये जो हमारे से वरिष्ठ हैं, ये तो कितने सुखी हैं, देखो इनको तो कोई कुछ डांटने वाला नहीं है, और हमारे ऊपर हमेशा ये एक वो रखते हैं, निगरानी रखते हैं। यदि हम इनकी जगह पे होते तो हम आराम से सोते, लेकिन जब आप उनकी जगह पे पहुंचोगे तब आप नहीं सो पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति नेतृत्व करता है उसको कोई कहने वाला नहीं होता है, उसकी आत्मा खुद ही खुद को कहने वाली होती है। महाराज जी को कौन जगाता है जाकर के? आपको तो गुरुकुल में ड्यूटी लगी है जगाने वालों की, लेकिन महाराज जी को संत कुटीर में जाके कौन जगाता है? कोई भी नहीं जगाता। जैसे मेरे को कौन जगाता है वहाँ जाके? कोई जाता ही नहीं है वहाँ, तो जहाँ मैं रहती हूँ कोई नहीं जगाता। लेकिन हमें खुद उठना होता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद वैसा आचरण नहीं करेगा और दूसरे को बताएगा, तो उसके पहली बात तो उसको सरस्वती माता वो कहने का सामर्थ्य नहीं देगी, और यदि वो कहेगा तो उसके कथन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं हो सकता ऐसे। तो श्री राम खुद वैसा जीवन, ऐसा आचरण खुद करते हैं, यद्यपि वो जंगल में रहते हैं लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ क्या काम करना है, आराम से उठ जाएंगे 7-8-9 बजे, तो भजन करना है तो दिन भर और तो कोई काम है नहीं जंगल में, तो कर लेंगे, बहुत टाइम है। तो ऐसा नहीं करते हैं वो, ठीक संध्या के समय संध्या करते हैं, व्यायाम प्राणायाम के समय व्यायाम प्राणायाम करते हैं, नहीं तो वो दीर्घ बाहु नहीं हो सकते हैं, वो वीर योद्धा नहीं हो सकते हैं यदि आलसी हो तो। तो यद्यपि सीधा सीधा ऐसे कहीं नहीं है कि वो योगासन प्राणायाम करते हैं, लेकिन जब वो रावण जैसे असुर से इतनी बहादुरी पराक्रम पूर्वक युद्ध कर रहे हैं, तो युद्ध करने के लिए तो ऐसा शरीर ऐसी ताकत चाहिए ही, तो वो बिना पुरुषार्थ के तो आ नहीं सकती है।
जो जैसा वो खुद आचरण करते हैं वैसा ही श्री भरत जी के लिए भी यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं, और भरत जी के साथ साथ फिर पूरी प्रजा के लिए। तो नेतृत्व भी अखंड प्रचंड पुरुषार्थी होना चाहिए, और उनके अधीनस्थ हैं वो भी सब, वो भी आलसी नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक नेतृत्व तो बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करे लेकिन नीचे वाले पुरुषार्थ ना करें तो फिर टीम वर्क क्वालिटी का नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ कार्य संसार में ऐसे हैं जो टीम से ही होते हैं। इसलिए स्वयं भगवान को भी वेद के ऋग्वेद के अंत में संगठन सूक्त का निर्देशन करना पड़ा। पहले जो सूक्त हैं उसमें व्यक्तिगत उपासना के लिए, प्रार्थना के लिए, स्तुति आराधना, मैं ऐसा बनूं ऐसा बनूं, ये सब विधान किया, और लास्ट में जाकर के कहा कि भाई अकेला व्यक्ति भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है, कितना भी महान क्यों ना हो। तो संगठन में ही शक्ति होती है, तो संगठन की बड़ी महत्ता बताई वहाँ पर वेद में, और संगठन की महत्ता को पहले अपने पिंड में व्यक्ति अनुभव करे, क्योंकि पिंड भी तो बहुत सारे सेल्स का और बहुत सारे सिस्टम का एक संगठन है। तो पहले तो यहाँ पर संगठित होकर के कितने सारे विचार, कितने सारे भाव, अगर वो इधर उधर बिखरे पड़े रहेंगे तो व्यक्तिगत जीवन में फिर व्यक्ति अपने दुरितों से लड़ नहीं सकता है, और दुरित तो कदम कदम पे मिलते हैं और मिलेंगे। जब तक व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त ना कर ले तब तक किसी के भी जीवन में दुरितों का अभाव नहीं होता है, नेगेटिविटी का अभाव नहीं है, वो रहेंगे, वो भी शाश्वत ही हैं, विद्या और अविद्या दोनों ही। तो उसको हराने के लिए फिर व्यक्ति को सतत ये प्रयास करना पड़ेगा, और वो प्रयास संगठित होकर के करना पड़ेगा। यदि हमारा अस्तित्व, हमारा व्यक्तित्व, हमारा विचार, हमारी धारणाएं, हमारे लक्ष्य इधर उधर बिखरे पड़े हैं तो फिर छोटी सी चीज ही हमें अपने लक्ष्य से कहीं दूसरी ही दिशा में लेकर के चली जाएगी। जिस दिन अपमान होगा, जिस दिन कोई ब्लेम कर देगा, जिस दिन कोई झगड़ा कर लेगा, उसी दिन हम अपने लक्ष्य को साइड में छोड़ करके कहीं दूसरी तरफ चल पड़ेंगे कि ऐसे मैं नहीं कर सकता हूँ, और सब कुछ आपके अनुकूल ही हो और तब आप लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसा इस समाज में विधान नहीं है, ऐसा इस संसार में नहीं होता है कि सब कुछ हमारे अनुकूल होता रहे। आप बिल्कुल ठीक ठीक करेंगे अपनी समझ से तब भी लोग आपको गलत सिद्ध करेंगे, आप कितना भी ठीक कर लें। और मतलब हमेशा ठीक हो ये तो जरूरी नहीं है, कभी कभी भूल भी हो जाती है, पर कभी भूल नहीं भी हो, मैं ये कह रही हूँ, आपकी तरफ से कोई भी भूल नहीं होगी और फिर भी आपको कोई प्रतिकूलता ना आए, ऐसा नहीं है। और उस समय आपका मन यदि कहता है कि फिर इस सब को छोड़ो, हम तो सन्यासी बनने के लिए घर से निकले हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, तो हम ऐसी स्थिति में क्यों लगे रहें, तो फिर समझो कि आप नेगेटिविटी की चपेट में आ गए हैं। क्योंकि हर परिस्थिति को फेस करते हुए आपके सामने आपका लक्ष्य ही होना चाहिए और कुछ भी नहीं, और ये तब हो सकता है जब हमारी सारी शक्तियां संगठित हों, हमारी इंद्रियां भी, हमारा मन भी, हमारी बुद्धि भी। नहीं तो बुद्धि तो कहती है कि लक्ष्य है तेरे सामने, और मन कहेगा कि नहीं, इस तरह चलते हुए कभी लक्ष्य में नहीं पहुंचा जा सकता, इसको हटाओ एक तरफ। तो उन दोनों का ही आपस में संघर्ष हो जाएगा, मन का और बुद्धि का, और संगठित नहीं है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे ही समाज में कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिनको मिलकर के ही प्राप्त किया जा सकता है, और उस संगठन में जरूरी नहीं है कि सब हमारी जैसी विचारधारा वाले होंगे, हमारे जैसा ही भाव रखने वाले होंगे, लेकिन उन व्यक्तियों को भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा। वहाँ पर भी कहीं कहीं व्यक्ति को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कहीं कहीं सहन करना पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति भी अलग होता है यदि तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो
ये बहुत ही मतलब एक प्रैक्टिकल उपदेश दे रहे हैं श्री राम भरत जी को। तो ये हम पढ़ रही थी, तो 19 श्लोक तक हम पढ़ चुके थे। तो इसमें पीछे से कोई आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, फिर आगे चलेंगे। कोई प्रश्न है किसी का, आगे चलें। तो ये 19 वाले श्लोक में ये थोड़ा सा मतलब इसमें संशय हो रहा है, जैसे जो श्लोक है उसमें कहीं नए नहीं आया है, लेकिन जो हिंदी का इन्होंने अर्थ किया है उसमें इन्होंने इसका जो अर्थ किया है वो नए लगा करके किया है। उपाय कुशल वैद्य को, संदूषण में रत भृत्य को, ऐश्वर्य की कामना करने वाले शूरवीर को, जो नहीं मारता है वो मर जाता है, ऐसे इन्होंने अर्थ किया है, लेकिन श्लोक में नए नहीं आया। उपाय कुशलम वैद्यम, संदूषणे रतम भृत्यम, ऐश्वर्य कामम शूरम च, यो हंति सवध्यते, जो इनको मार देता है वो मारा जाता है, संस्कृत का श्लोक ये कह रहा है। तो इसमें बाकी तीन तो समझ में आ सकते हैं कि उपाय कुशल वैद्य को ना मारें, ऐश्वर्य की कामना वाले शूरवीर को ना मारें, लेकिन संदूषण में रत भृत्य को ना मारें ये समझ में नहीं आता है। पुस्तक में दिया हुआ है, पुरानी वाली में, गीता प्रेस वाली में, तो इसमें फिर न छूट गया है, इसमें नहीं है, नई वाली में। उपाय कुशलम वैद्यम, तो इसका मतलब क्या है कि जो कूटनीति आदि से जो कार्य करता है ना, ऐसे वैद्य को नहीं रखना चाहिए राजा को, क्योंकि कभी भी किसी को कुछ भी खिला देगा जो कूटनीति से युक्त है, तो अपने वालों को ही मार देगा दवा का नाम लेकर के। और संदूषण में रत भृत्य, ये तो स्पष्ट ही है, ऐसे जो नौकर जो संदूषण में रत रहते हैं, संदूषण मतलब दोषारोपण, जैसे कि कई कई आदि है, अब कई कई जैसे ये सॉरी मंथरा है, मंथरा जैसे सेवक यदि कई कई के पास नहीं होते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। तो सोच समझ करके जो बड़े व्यक्ति हैं उनको अपने भृत्य भी कैसे रखने चाहिए, ऐसे रखने चाहिए जो पैशुन आदि ना करें, चुगली आदि ना करें, संदूषण में रत ना रहें। एक कभी कोई बात कह दी वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ लोग तो उसमें रत ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं, इधर उधर से कोई बातें किसी किसी की थोड़ी थोड़ी उठाना और उनको फिर तोड़ मरोड़ के पता नहीं कैसे कैसे बना करके किसी दूसरे को बताना, उनके चित्त को विषाक्त करना, और अपना चित्त तो पहले ही विषाक्त कर ही लिया जब हम किसी के दोष ढूंढ रहे हैं तो इससे बहुत भारी हानि होती है समाज की, और व्यक्ति के साधक के अपने जीवन की भी बहुत भारी हानि होती है, और उसको हटाया नहीं जा सकता है प्रबल पुरुषार्थ करके भी फिर। तो ये ऐसे लोगों को अपने पास में राजा को नहीं रखना चाहिए जो हमेशा संदूषण में रत रहे। और राजा तो एक ही होता है प्रजा का, तो फिर बाकी सब व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को अपने पास रखें क्या जो संदूषण में रत रहते हैं? राजा को छोड़ के बाकी प्रजा को अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए क्या? नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपने अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के सब राजा हैं, अपने जीवन के तो राजा सभी हैं ना। तो अपने जीवन का जो ऐश्वर्य प्राप्त होना है उसको प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को ऐसे लोगों को अपने आसपास नहीं रखना चाहिए जो हमेशा हमारे चित्त को विषाक्त करने में ही रत रहते हैं। संदूषणे रतम भृत्यम, यो न हंति सवध्यते, जो नहीं मारेगा वो खुद मारा जाएगा एक दिन, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे जो व्यक्ति हैं ये या तो एक व्यक्ति या तो अनेक व्यक्ति मिलकर के उस व्यक्ति के जीवन को इतना नीचे के लेवल पे ले आएंगे कि एक दिन वो व्यक्ति खुद ही अपने उस दूषित व्यक्तित्व के कारण जो उसको बहुत ऊंची उपलब्धियां हो सकती थी उससे गिर जाएगा वो। ऐश्वर्य कामम शूरम, शूरवीर का काम होता है शूरवीरता दिखाना, शूरवीरता से लड़ना, और यदि उसको ऐश्वर्य की कामना है
तो वो अपने वाले ही राजा को मार देगा, क्योंकि दूसरा वाला राजा क्या कहेगा कि आप इसको मार दो, हम आपको राजा बना देंगे। और वो क्योंकि उसको ऐश्वर्य की कामना है, तो वो अपने वाले को मार देगा, और फिर वो दूसरे हैं वो उसको भी मार देंगे। वो ऐसी बहुत सारी सच्ची घटनाएं हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के जो देवर थे उनको ये तो प्रलोभन दिया था कि आप महारानी लक्ष्मीबाई का वध करवाने के लिए उसको खोल दो दरवाजे के लेके, और उसके बाद हम आपको राजा बना देंगे। और उन्होंने ऐसे ही किया। शूरवीर तो था लेकिन राज्य की कामना थी, और उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को के शहीद होने के बाद जब उसने कहा कि भाई अब आप मेरे को राजा बनाओ, बोले जब तू अपने खानदान का नहीं हो सका तो हमारा हो जाएगा तू, तो बोले इसको काटो इसका गर्दन, तुरंत काट दिया। तो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। शूरवीर का काम है शूरवीरता से लड़ना, उसके बदले में क्या मिलेगा वो फिर राजा पे या भगवान पे छोड़ दे। अगर उसके मन में कामनाएं हैं, कामनाओं को लेकर के यदि कोई शूरवीरता दिखा रहा है तो खतरनाक हो सकता है। जैसे कामनाओं को लेकर के यदि कोई आध्यात्मिक मार्ग में या सिद्धि प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो वो खतरनाक हो सकता है। कामना मुक्त होकर के यदि कोई अध्यात्म के मार्ग पे चल रहा है तो उसके माध्यम से क्या सेवा करवानी है वो भगवान अपने आप निर्णय करेगा। लेकिन यदि ये कामनाओं को लेकर के कोई यंत्र तंत्र मंत्र जाप कर रहा है तो फिर ये खतरनाक हो सकता है। सारे असुर ऐसे ही थे। असुरों ने तंत्र साधनाएं की, तपस्याएं की, संयम का पालन भी किया, लेकिन कैसे किया? कामनाओं को हृदय में लेकर के कि हमें ये सिद्धि मिले तो हम इन इनका नाश करें, और उन्होंने नाश किया। फिर तो फिर वो बड़ी मुश्किल हो जाती है उनको मारना फिर। तो इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं श्री राम। ऐश्वर्य कामम शूरम यो न हन्ति स वध्यते। और राजाओं के आसपास ऐसे लोग एकत्रित हो जाते हैं। कोई शूरवीर है, राजा उसको रख लेगा, भी इतना शूरवीर तो मेरे पास रहना चाहिए। कोई उपाय कुशल वैद्य है, वो उनके अपने पास रख लेंगे कि भी ऐसा तो निपुण वैद्य हमारे पास रहना चाहिए। कोई इधर उधर की बातें आकर के बताता है तो राजा झट से उसको रख लेगा कि ये तो मेरे को आकर के सब समाचार देता है, तो देखो यहाँ बैठे बैठे सब जानकारियाँ मिल जाती हैं, तो बड़ा खुश होकर रख लेगा। तो आगे जा करके वो उसी का ही फिर अहित करेंगे, उसी का ही नाश करने में सफल हो सकते हैं। कच्चित् धृष्टश्च शूरश्च मतिमान् धृतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः बलवन्तश्च कच्चित्ते मुख्या युद्धविशारदाः दृष्टापदाना विक्रान्तास्त्वया सत्कृत्यमानिताः कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम् संप्राप्त कालं दातव्यं ददासीन विलंबसे कालातिक्रमणाच्चैव भक्तवेतनयोर्भृताः भर्तुः कुप्यन्ति दुष्यन्ति यो नर सुमहान् स्मृतः। कच्चित् धृष्टश्च शूरश्च मतिमान् धृतिमान् शुचिः कुलीनश्च अनुरक्तश्च दक्षः सेनापति ही कृतः। तो कैसे व्यक्ति को सेनापति बनाना चाहिए, तो उसके गुण इसमें बताए हैं 20 नंबर श्लोक में। ये 19 को भी आप निशान लगा लीजिए, 20 वाले श्लोक को भी निशान लगा लीजिए, और पीछे जो आया था 13 नंबर में मैंने लगवाया था, 14 15 को भी लगवाया था, 17 को भी लगा लीजिए। कच्चित् न उग्रेण दंडेन भृशम उद्वेजित प्रजम, ये भी अच्छा श्लोक है, और ऐसे ही यहाँ भी लगा लीजिए। सेनापति कैसा होना चाहिए? कच्चित् धृष्टश्च शूरश्च। धृष्ट का मतलब अपना कार्य करने में वो बिल्कुल एकदम अड़िग, भाई जो करना है वो करना ही है, ऐसा होना चाहिए। शूरश्च शूरवीर, मतिमान बुद्धिमान भी होना चाहिए।
नहीं तो फिर ऐसे ही कोई अड़ जाएगा बिना बुद्धि के, तो भी फिर कार्य ठीक नहीं होंगे। तो मतिमान भी होना चाहिए, धृतिमान धैर्य वाला भी होना चाहिए, क्योंकि जो शूरवीर होते हैं तो फिर धैर्य नहीं होता है, धैर्य होता है तो शूरवीरता नहीं होती है, तो परस्पर अपोजिट से गुण हैं ये। धृष्टश्च सूरश्च शूरश्च मतिमान धृतिमान शुचि ही, शुचिता से युक्त भी होना चाहिए। तो शुचिता का मतलब है यहाँ पर अंतःकरण की शुचिता, भावों की शुचिता, विचारों की शुचिता, क्योंकि बाह्य रूप से तो शुचि होगा ही जो सेनापति है, तो यहाँ दोनों प्रकार की शुचिता का कथन है। कुलीनश्च, कुलीन व्यक्ति होना चाहिए वो। कुलीन का मतलब है कि उसका जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि कुछ चीज़ें विरासत में भी मिल जाती हैं, तो पीछे से भी ऐसा उसका कुल खानदान होना चाहिए जिसमें पहले से भी राष्ट्रभक्त देशभक्त होते आए हैं, और या फिर कोई बात नहीं पहले से नहीं भी हुए तो माता पिता कम से कम ऐसे हों कि जो, बेशक उनके पास धन ज़्यादा ना हो लेकिन उनके अंदर कोई दुर्भाव कोई दुर्गुण दोष नहीं होना चाहिए। और माता पिता में से भी पिता कभी कभी नहीं भी हों तो माँ ज़रूर ऐसी होनी चाहिए। ऐसे भी होता है कि पिता कभी कुछ दूसरे रास्ते पे चलते हैं, लेकिन माँ यदि कुलीन है तो निश्चित रूप से फिर बच्चे से कुलीनता की आशा की जा सकती है। ऐसे बोलते हैं, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ऐसे कहावत है ग्रामीण। इसका मतलब क्या है, माँ पर पूत, पूत का मतलब है पुत्र और पुत्री दोनों। जो मनुष्य की संतानें होती हैं वो माता के ऊपर ज़्यादा उनका असर होता है, मतलब माँ का असर उन पे ज़्यादा होता है, माँ के ऊपर जाते हैं वो, माँ पर पूत। और पिता पर घोड़ा, घोड़ा है सभी पशुओं का उपलक्षण, पशु जो है वो अपने पिता के स्वभाव से ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए अच्छे नंदी आदि रखने का वो विचार किया जाता है कि उनकी जो संतानें होंगी पशुओं की उनके ऊपर पिता का प्रभाव ज़्यादा होगा, और मनुष्य की जो संतानें हैं उनके ऊपर माँ का ज़्यादा होगा। तो कहते हैं बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा प्रभाव तो जरूर ही आता है। तो जिसकी माँ, इसलिए बोलते हैं ना कि भाई जिस देश की अच्छी स्थिति यदि बनानी है तो उस देश की नारियों के चरित्र उन्नत कर दो, उनका मनोबल उनका बुद्धि बल उनका आत्मिक बल उत्कृष्ट बना दो, तो फिर उस देश में उत्पन्न होने वाली सारी मनुष्य जाति उत्कृष्ट ही होगी। और उसी इसी के लिए जो गर्भ में जब बच्चा होता है तो जितने भी संस्कार हैं गर्भ के समय, तो उनका प्रावधान इसीलिए है कि जब बच्चा उसका निर्माण हो रहा है उस समय माँ की जो मनस्थिति होगी, जो मति की बुद्धि की स्थिति होगी, जो आत्मा की स्थिति होगी, जो शरीर की स्थिति होगी, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। अब ये अलग बात है कि जिसके गर्भ में बच्चा होता है उसको इन बातों का पता नहीं होता है, और जिनको इन विज्ञान का खूब पता होता है विद्वान होते हैं वो, उनको कभी गर्भ में बच्चा होता नहीं है। ये मतलब एक दुर्भाग्य जैसी बात है, लेकिन ये है बहुत बड़ी साइंस। तो यहाँ पर सेनापति के लिए एक शब्द आया कुलीन। जो कुलीन व्यक्ति होगा वो अपने धर्म के लिए मिट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ेगा। तो जब विपरीत परिस्थिति आती है तब कुलीनता का पता चलता है।